थिंक टेक्निकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम ओपन ऑफिस में राइटर में साइड बार को कैसे यूज़ करेंगे और उसको वहाँ पर डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे ओपन ऑफिस का यहाँ पर आइकन अवेलेबल है, शॉर्टकट अवेलेबल है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आपका आइकन अवेलेबल ना हो तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर लिखेंगे आप ओपन ऑफिस और यह विदाउट स्पेस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जब आप ओपन ऑफिस लिखेंगे यहाँ पर पहले तो जो उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली राइटर को भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए ओपन ऑफिस लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग यहाँ पर मेरा ओपन ऑफिस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम राइटर के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो गया है। सो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ से MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ। नॉर्मली आप पैराग्राफ खुद टाइप कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पर टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो उसके लिए मैं MS वर्ड में एक पैराग्राफ क्रिएट करूँगा और उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। तो उसके लिए आपको पता है कि MS वर्ड में हमारी एक कमांड होती है रैंड, जिसकी हेल्प से ऑटोमेटिक टेक्स्ट हमारे एडिटर में हमारे पेज में इंसर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट करूँगा। यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं यहाँ पर MS वर्ड में डायरेक्टली कैसे चला गया। मैंने जस्ट वहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट को यहाँ से मैंने कॉपी किया। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, देन इसको क्लोज कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। ये आपकी नीड है, आप क्या करना चाहते हैं। देन यहाँ पर देखिए मेरा जो राइटर है वो तो ओपन ही है। मैंने क्या किया, MS वर्ड में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रेन कमांड लिखा, देन वहाँ से उसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अदरवाइज खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ गया। नाउ अब यहाँ पर देखिए जो मेरा यहाँ पर राइट साइड है, यहाँ पर देखिए मेरी यहाँ पर साइड बार अवेलेबल है। अदरवाइज यहाँ पर साइड बार अवेलेबल ना हो तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाकर यहाँ पर देखिए नीचे से थर्ड ऑप्शन आ रहा है साइड बार, यहाँ से आप इसको, यहाँ टिक के मीन्स आपकी वहाँ पर बार एक्टिवेट है, अनटिक के मीन टू से वहाँ से बार डीएक्टिवेट है। यहाँ से आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट शो हाइड कर सकते हैं। शो करने के लिए साइड बार पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ही एक्टिवेट ही होती है, कई बार कोई प्रॉब्लम के कारण यहाँ ना शो तो आप वहाँ से उसको व्यू बटन या व्यू मेन्यू में जाकर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। देन आफ्टर डैट यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर जो मेरा यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है। देन आफ्टर डैट यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेक्स्ट के टूल्स आ रहे हैं, पैराग्राफ के टूल्स आ रहे हैं, स्पेसिंग के टूल्स आ रहे हैं। देन यहाँ पर मेरे शो कर रहा है पेज मीन टू से आपको पेज की जो ओरिएंटेशन, देन आफ्टर डैट पेज का मार्जिन, पेज का साइज एंड पेज आपको कितने कॉलम में ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो डिवाइड करना है। तो फिलहाल आप इसको ऐसे यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए पहले हम टेक्स्ट के टूल्स करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ में टेक्स्ट के टूल्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है हमारा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मीन्स कि जो यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा है उसको किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहो। ये देखो मैंने पर ये यहाँ वेंद्राना सेलेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसका लुक हो गया। अगर आप यहाँ से किसी और फॉन्ट को चूज़ करो, यहाँ से भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वहाँ से वो सेलेक्ट कर लीजिए। कॉपर ब्लैक करना है, देखिए कॉपर ब्लैक हो गया। ये तो मैंने देखिए जिस पर्टिकुलर पैरे को सेलेक्ट किया उसी पैराग्राफ पर वो फॉन्ट अप्लाई होगा। अगर आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल ए का यूज़ करिए, जैसे मैंने अभी MS वर्ड से पूरा टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया था, वैसे ही आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके, यानी यहाँ से जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करके उसको अप्लाई करेंगे। नीचे आने के लिए मैं स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर रहा हूँ, जो माउस का सेंटर बटन होता है। ये देखिए उसके अकॉर्डिंग आपका सारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपने कौन से पर्टिकुलर टेक्स्ट को, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉन्ट का साइज़ है, जितना आप टेक्स्ट का साइज़ देना चाहो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी आप फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से मैंने इंक्रीज़ किया, यहाँ से मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए उसी के नीचे रिड्यूस फॉन्ट, रिड्यूस मीन टू से आप उसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं, इंक्रीज मीन टू से आप जो भी यहाँ टेक्स्ट लिखा उसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं दिसवा रख लेता हूँ। एंड उसके बाद अपने टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए, अगर आप किसी पैराग्राफ को इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर लीजिए। ये देखिए मैं लाइन को भी कर सकता हूँ, लाइन को यहाँ मैंने इटैलिक कर लिया। देन आप किसी लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन भी कर लीजिए।
आप पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अंडरलाइन के सो मैनी स्टाइल्स हैं, जो आपको अंडरलाइन का स्टाइल चाहिए यहाँ से उसको चूज कर लीजिए। ये देखिए डबल लाइन्स भी है, अदरवाइज यहाँ पर डॉटेड लाइन भी है, यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जहाँ से कमांड एक्टिवेट होगी वहीं से डीएक्टिवेट होगी। सो आप अगर इनको डीएक्टिवेट करना चाहो वहीं पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो कमांड मेरी डीएक्टिवेट हो जाएगी जो आपने पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रखी है। यहाँ पर मैंने इटैलिक किया था। ये देखिए जब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरी कमांड्स अप्लाई है वो सारी यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर देखिए फॉन्ट मेरा कैलिफोर्निया सॉन है, यहाँ पर साइज मेरा 14 है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं है। नेक्स्ट पैरे पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए उस पैरे के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा बोल्ड इटैलिक नहीं शो कर रहा, साइज मेरा यहाँ पर 12 है और जो फॉन्ट मेरा वो सेम है। ऐसे आप किसी पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसका फॉन्ट साइज देन वो उस पर कौन कौन से मेरे फॉर्मेटिंग टूल्स अप्लाई हमने किए हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू भी करना चाहो तो सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को, यहाँ से आप उसको स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर हेडिंग की या पैराग्राफ की शेडो चाहिए यहाँ से शेडो क्रिएट कर दीजिए। ये देखिए आपको जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ देखिए पीछे थोड़ी सी शेडो आ रही है, सो आप शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट की। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टूल है यहाँ पर वो है सुपरस्क्रिप्ट देन सबस्क्रिप्ट। इनका यूज़ क्या होता है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूला क्रिएट करना चाहता हूँ H2O। अब देखिए जो टू है मेनली मेरे एच के डाउन में आना चाहिए। अगर मैं अपने एच के डाउन में इसको लेकर आना चाहता हूँ तो हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ से आप देखेंगे सबस्क्रिप्ट कौन सी है, यहाँ पर देखिए यहाँ जो ए है मेरी के अपर जा रही साइड, एक मेरी जो ए है वो डाउन साइड जा रही है। सो फिलहाल मुझे डाउन चाहिए तो मैं सुपर की जगह सबस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नीचे देखिए शॉर्टकट भी शो कर रहा है, यहाँ डाउन आ जाएगा। अदरवाइज आप स्केयर्स करना चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का। फिलहाल जो भी आपको नंबर का स्केयर करना उसको सेलेक्ट करिए, देन यहाँ पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है इसको क्लिक कर दीजिए। सेम ऐसे ही सेकंड को सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, देन यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया सबस्क्रिप्ट का और यहाँ पर यूज़ किया सुपर स्क्रिप्ट का। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी आपने पावर अप या डाउन लेकर जानी है आपको पहले उसको सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ 2 को सेलेक्ट किया। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए कलर आ रहा है। कलर हमारे पास देखिए तीन तरह के होते हैं। पहले तो होता है फॉन्ट का कलर, फॉन्ट कलर मीन टू से ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ लिखा है पूरा ब्लैक कलर का उसका कलर। सेकेंड वन होता है हाईलाइटर का, हाईलाइटर मीन टू से ये जो मैंने यहाँ देखिए पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो रहा है जितना भी मैंने सेलेक्ट किया पर्टिकुलर लाइन्स को, आप इनके पीछे कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा एक लास्ट कलर होता है जिसको हम शेडिंग भी बोल देते हैं, जब यहाँ पर जितना मैंने ये सेलेक्ट किया है पोर्शन पैराग्राफ का इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, तो उसके लिए हम शेडिंग का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम सबसे पहले फॉन्ट का यूज़ करते हैं, फॉन्ट कलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर है, जो भी आपने पैराग्राफ का कलर देना है यहाँ से आप दे सकते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ ये पैरा सेलेक्ट किया है, अगर आप पूरे को देना चाहें तो पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हाईलाइटर, हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जो भी आपको हाईलाइटर का कलर चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। ये देखिए जितना मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया था उतना ही पोर्शन मेरा यहाँ पर हाईलाइट हो गया। जैसे आप नॉर्मली नोट्स वगैरह क्रिएट करते हैं मैनुअली तो उसमें आप हाईलाइटर का यूज़ करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेफिनेशंस होती हैं उनको आप हाईलाइट कर लेते हो, सेम ऐसे ही हम इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे टेक्स्ट के टूल्स। सबसे पहले हमने फॉन्ट किया, देन साइज़ किया, देन टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया, यहाँ अंडरलाइन के हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे, देन हमने बाद में स्ट्राइक थ्रू किया, शेडिंग किया, शेडो, एंड उसके बाद यहाँ से फॉन्ट यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। देन हमने किया सुपरस्क्रिप्ट अपर पावर, सबस्क्रिप्ट डाउन पावर, और यहाँ से हमने करेक्टर स्पेसिंग नहीं किया। करेक्टर स्पेसिंग देखिए क्या है, यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ करेक्टर्स लिखे हैं उनके बीच में अगर आप ये देखिए उनको लूज़ करना चाहो, वेरी लूज़ करना चाहो या टाइट करना चाहो, ऐसे भी आप अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ से फॉन्ट कलर किया, देन यहाँ से किया हाईलाइटर। ये तो थे हमारे टेक्स्ट के टूल्स। अब हम करेंगे यहाँ से पैराग्राफ के टूल्स। सो पैराग्राफ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से फिलहाल मैं एक एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ कोई भी, यहाँ पर मैंने हेडिंग दी कंप्यूटर। अब देखिए ये कंप्यूटर मेरा बाई डिफ़ॉल्ट कौन सी साइड पर, लेफ्ट साइड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि जो भी आपकी बाई डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है किसी भी टेक्स्ट एडिटर की वो कौन सी होती है, वो होती है लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट आप इसको सेंटर में करना चाहें तो यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको राइट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको सेंटर रखते हैं,
देन लास्ट में देखिए एक और अलाइनमेंट है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये साइड तो सभी की बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये जो साइड है मेरी राइट साइड, यहाँ से प्रॉपर मेरा पैटर्न नहीं है, जिगजैग मैनर में है। तो उसको सेलेक्ट करिए पैराग्राफ को या लाइंस को जिनको आप बहुत साइड से पैरेलल रखना चाहते हैं, देन जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिए, देन दोनों साइड्स मेरी इक्वल हो जाएंगी। एंड उसके बाद अगर आप बुलेट्स लेना चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ये फिलहाल मेरे 3 पैराग्राफ्स हैं, बुलेट ले लीजिए। अगर आपको बुलेट का कोई और फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पर छोटा सा ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ से आप बुलेट का कोई और स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग चाहिए, यहाँ से नंबरिंग भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बुलेट्स नंबरिंग का एक ऊपर टूल बार आ जाएगा, यहाँ से भी आप उसको इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से उसकी नंबरिंग रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। सो ये टूल्स है, ये भी आप करके देखिए। ये देखिए आपने जो नंबरिंग वहाँ किया उसको जस्ट आगे मूव करना चाहते हैं, यहाँ से बैक आ जाइए। ये था मेरा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट मीन्स एक के अंदर दूसरा पॉइंट, दूसरे के अंदर तीसरा पॉइंट। उसके बाद हम यूज करेंगे दिस वन, दिस वन इज शेडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं उनको अलग अलग कलर देना चाहता हूँ। फर्स्ट को मैंने दिया दिस वन, देखिए मैं जितना कलर दूंगा उतना मैं पहले एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंड दिया मैंने दिस वन, देन थर्ड वन दिया मैंने दिस वन। जो भी आप कलर देना चाहें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक बताने के लिए कि आप इन कलर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो बताया, आप इनका कलर यूज़ करिए लेकिन अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पर आपका ये कलर अप्लाई है अगर वहाँ पर आप एंटर का यूज़ करेंगे आगे सारा वही कलर चलेगा। सो ये कलर रिमूव करने के लिए आपको पहले उतना एरिया सेलेक्ट करना होगा जहाँ से आप वो कलर रिमूव करना चाहो, देन यहाँ से अगेन शेडिंग से जो मेरे यहाँ राइट हैंड साइड पर आ रहा है यहाँ से आपको करना होगा वाइट, तो वो उतना पोर्शन वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अवर स्पेसिंग। स्पेसिंग देखिए क्या है, यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ पॉइंट वन को। यहाँ से आप देखिए डाउन को स्पेसिंग, अप से स्पेसिंग, यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ है उसके डाउन और उसके अपर साइड अगर आप स्पेसिंग देना चाहो तो यहाँ से दे सकते हैं, अपर से उसको सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर ले जाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल ज्वाइन ही हो गया, देखिए ऐसे आप स्पेसिंग वगैरह भी दे सकते हैं। देन यहाँ से आप जो इंडेंट्स हैं ये देखिए टॉप पे जो मेरी रूलर बार आ रही है, यहाँ से इंडेंट्स ये जो हैं इनको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ से भी ये देखिए इंडेंट मेरा राइट साइड जा रहा है, यहाँ से मेरा अगेन उसी साइड जा रहा है यानी कि लेफ्ट साइड। ये तो थे मेरी इंडेंट्स। देन आफ्टर डैट आपने यहाँ पर जो पूरा एक पेज पे टेक्स्ट लिखा है अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर मैंने यहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में रखा, देन इतना जो पोर्शन है मेरा, मैं फिलहाल इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यह है मेरी अबव। अबव से आप देखिए कितना डाउन लेकर जाना चाहते हैं इतना, और ये देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख लीजिए। ये तो मेरे हो गए टॉप और बॉटम। अब लेफ्ट और राइट की बात आती है, ये है मेरा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से आप देखिए ये जो मेरी पूरी लाइन आ रही है पूरा बॉक्स आ रहा एंड तक, ये बता रहा है कि प्रिंटिंग के टाइम हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिंग। अब आपको राइट से सेट करना, यहाँ देखिए राइट से सेट हो रहा है दिस साइड, आप ऐसे सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये जो है ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन इंटेंट, कई बार आपकी पैराग्राफ लिखते हैं थोड़ी सी आपको जो फर्स्ट लाइन है वो इनर साइड चाहिए होती है, तो आप यहाँ से उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस का। ये देखिए तो फिलहाल उसके लिए यहाँ टूल भी अवेलेबल है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लाइन्स लिखी हैं, मुझे इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में लाइन स्पेसिंग में जाइए। यहाँ से आप जितना भी लाइन स्पेसिंग का साइज़ वगैरह देना चाहो उनके बीच में वो दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 होगा। अगर डिक्रीज़ करना चाहो अगेन वहीं पर जाइए, वहाँ से पॉइंट्स जो आपने स्पेसिंग दिया उनको डिक्रीज़ कर दीजिए। ये तो थे हमारे पैराग्राफ के टूल्स, जिसमें हमने सबसे पहले ओरिएंटेशन, सॉरी यहाँ पर हमने इंडेंटेशन की, अलाइनमेंट्स की, सबसे पहले हमने पैराग्राफ में यहाँ अलाइनमेंट्स की, देन उसके बाद यहाँ मैंने नंबरिंग की, बुलेट्स किया, देन यहाँ पर हमने पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर दिया, स्पेसिंग किया, देन उसके बाद हमने मार्जिन्स दिया टॉप बॉटम, देन राइट लेफ्ट। देन उसके बाद अब हम जाएंगे थर्ड टूल जो यहाँ पर अवेलेबल है पेज, तो पहले मैं इसको पैराग्राफ को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। पेज में जाएंगे, पेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फिलहाल इस पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा पेज कौन सा है, दिस वन इज़ अवर पोर्ट्रेट। यहाँ से आप पेज के ओरिएंटेशन कर सकते हैं लैंडस्केप, ये देखिए मार्जिन दे सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग नैरो, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं,
जितना मार्जिन देना चाहो, ये तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन्स है, अदरवाइज आप यहाँ मैनुअली भी दे सकते हैं। टू टू नेक्स्ट बॉक्स में टैब से आ रहा हूँ, देन सो ऑन। यहाँ से देखिए मैंने टू टू किया और देखिए मेरा यहाँ पैराग्राफ कैसे सेट हो गया पेज में। देन पेज का साइज, ए फोर साइज हमारा फोटोकॉपी वाला साइज होता है, तो यहाँ से आप जो भी आपका लीगल पेज की सेटिंग करना चाहो या ए फोर या उससे कुछ छोटे पेज हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉलम, आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो आप यहाँ से कॉलम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर थ्री में करना चाहो थ्री कर लीजिए कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ जो टेक्स्ट आपका कॉलम बाय कॉलम मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, उसको करके देखिए। ये तो हमारे पेज के टूल्स। सो आज हमने क्या किया, साइड बार की जो कि हमारी प्रॉपर्टीज़ विंडो की हेल्प से डिस्प्ले होती है फ्रॉम व्यू मेन्यू, और वहाँ पर हमने टेक्स्ट के टूल्स किए, पैराग्राफ के टूल्स किए और पेज के टूल्स किए। सो फ्रेंड्स इसको करके देखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।